तो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी वक्त हो चला है शाम के 7:30। मैं और मेरा फ्रेंड प्रशांत हम यहाँ जोशी मठ में रुके हुए हैं और बेसिकली अंधेरा हो गया था तो इससे आगे जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो हम यहाँ मार्केट घूमने आए थे तो सडन मेरी नज़र एक बहुत अच्छी शॉप पे पड़ी। ये मेरे पीछे ये शॉप आप देख सकते हैं और दिन में मैं आपको इस शॉप का एक अच्छा सा फोटो भेज दूंगा। फिलहाल इस शॉप में बहुत खास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्रैक करते हैं, एडवेंचर लवर हैं, तो राइडर्स हैं ऑफ कोर्स। और मैं आपको अंदर लेके जाने वाला हूं और शॉप ओनर भैया से मिलवाऊंगा, ये कुछ चीज़ बताएंगे जो आपके बहुत काम आने वाली है। भैया कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। तो भैया थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए। प्लेजर भैया, प्लेजर। तो भैया आपसे हम बस दो चार चीजें जानना चाहते हैं। आपका नाम बता दीजिए पहले। सनी। और ये कौन सी जगह है भैया? भैया जोशी मठ। जोशी मठ में मेन मार्केट है। हाँ जी भैया, अपर बाजार जोशी मठ। एक्चुअली मैं बहुत देर से मैंने देखा था आपकी शॉप बाहर, ये बहुत अच्छे अच्छे स्टफ्स थे। थैंक यू। तो मैंने सोचा कि एक आपसे बात की जाए, तो आप दो चार चीजें मुझे दिखा सकते हैं जो लोगों के काम आ जाए? पक्का भैया। चलिए भैया दिखाइए। जैसे कि भैया विंटर शुरू हो चुका है तो ये ट्रैक पैंट्स होती है विंटर की, ये वर्कआउट वियर की है, बहुत अच्छा ड्यूरेबल स्टफ है इसका। बेसिकली जो विंटर ट्रैक करते हैं उसमें यूज होती है। इसमें क्या होता है, आपके लाइनर्स यूज नहीं होते, जो आप इनर्स थर्मल यूज करते हैं ना तो वो यूज नहीं होता। इसमें पहले से बॉन्डेड लगा होता है। ओके। ये प्लीज होता है अंदर, इसके लाइनर होता है और ये नैरो भी हो जाता है नीचे से, इसके थ्रेडिंग दी भी होती है। ओके। तो ये बहुत अच्छा यूज आ सकता है अगर आप ट्रैक के लिए जा रहे हैं, स्पेशली विंटर ट्रैक के लिए। ओके। एक तो ये हो गया। ऐसे हमारे पे विंटर्स के लिए जैसे फ्लीस के जैकेट्स हो गई। ओके। फाइबर की हो गई। ओके। तो ये सब स्टफ रहता है भैया। वेरी गुड। और ड्यूरेबल रहता है, ऐसा नहीं है कि वन टाइम आपने लिया और यूजलेस हो गया, ये वन टाइम बाय है और बहुत ड्यूरेबल रहता है। बहुत अच्छा, आपसे ऐसे पूछते हैं, आप बताइए जैसे जो एज अ ट्रैकर अगर हूं मैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं आपके पास जो आप सजेस्ट करोगे कि राइड कर रहे हो या ट्रैक कर रहे हो, तो कुछ चीजें आप दिखाओगे आपके पास हैं? हाँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो बताइए क्या है आप जो आपको लगता है कि हाँ ये अगर राइड कर रहा है ट्रैक कर रहा है तो ये चीज उसके लिए बेस्ट है, जो आपके यूएसपी होगी शॉप में। जैसे भैया ये आप ये देख सकते हैं, ये आप वाटर कैन ही तो आप यूज नहीं कर सकते, वाटर कैन जो होती है तो ये ड्यूरेबल होता है। जैसे किसी को गंगा जल ले आना होता है या कुछ, ये पोर्टेबल होता है। आप अगर बाइक राइडर हैं कुछ तो आपके बैग में अपना इजीली फोल्ड हो जाएगा। बिल्कुल इसमें सही बात, पूरा कैप वगैरह सब कुछ है। तो ये मस्ट है, मुझे लगता है कि आप अगर पानी के लिए भी या कुछ भी ऐसे स्टफ लेके जाना, जूस हो गया कहीं आपको हिल स्टेशन में मिलते हैं, तो आप ये अपने साथ मतलब आप यूज करो और उसके बाद वापस इसको पैक करके बैग में। ये बहुत अच्छी चीज है यार। और इसमें एक वैसा भी आता है, इसमें पाइप लगा होता है तो हम उसको बैग के अंदर डाल के फिर नहीं वो डिकैथलॉन में। हां वो डिकैथलॉन में तो भैया सारे स्टफ मतलब वैसा कुछ नहीं, अभी मेरे पास क्या होगा। तो ये पोर्टेबल थैली टाइप की है बेसिकली। यूजली हम लोग क्या कैन वैन लेते तो उसको एक्स्ट्रा जगह चाहिए होती है आपकी बाइक में या गाड़ी में, ऐसा पोर्टेबल है, पॉकेट के अंदर डालो, गंगा जी में जाओ, जल भरो, जूस पीना जो पीना है वो अच्छी चीज है। और ये कितना ड्यूरेबल है इसका जो प्लास्टिक है? बहुत भैया, बहुत काफी लंबा चलेगा। क्या बात है, क्या है प्राइस बताना चाहेंगे? 250 मात्र, 250। क्या बात भाई, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे आपके पास। ये पैंट मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी बाय द वे, ये वाली ये पैंट मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी। हालांकि ये ब्लॉग इनका है लेकिन मैं एकदम से कैप्चर कर लिया मैंने आके, लेकिन कैमरों में बैग आ गया। हाँ जी, मैं इस पैंट के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी हम लोग एक्चुअली थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर ही रहे थे, तो एज ए अगर आप ट्रैक कर रहे हो या बाइक राइड कर रहे हो ना, तो डीकैथलॉन में जाते हो और भी बड़े बड़े ब्रांड्स में जाते हो तो बहुत महंगे मिलती है सारी चीजें, ठीक है। और जो इसकी क्वालिटी है, जो इसका मतलब स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रेच कर रहा हूँ मैं और मैंने इसको पहन के भी देखा है, तो वाकई में बहुत अच्छा स्टेप है। तो अगर आप लोग कभी आसपास घूम रहे हो जोशी मठ के, तो भैया की दुकान में आके एक बार विजिट जरूर करो, काफी कुछ आपको मिल जाएगा जो आपके यूजफुल का सामान होगा। वेरी गुड। हां जी भैया, भैया ये बैग मुझे बहुत देर से दिख रहा है, इसके बारे में बताइए। हां तो भैया ये बैग है, कैमो में है, कैमो बहुत लो, मैं कर लेता हूं, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। कैमो बैग आपको पता है, हर कोई ट्रैकर या फिर यंगस्टर में फेमस होता है कि ये प्रिंट में बैग चाहिए उनको। ये कोबरा प्रिंट कहते हैं बेसिकली इसे, कोबरा कैमो। और आप अगर इसकी कॉस्ट गेस करेंगे तो मुझे लगता है इजीली 800-900 गेस करेंगे, राइट। ये बहुत स्पेशियस है, अराउंड 40 लीटर्स का है और मेरी शॉप में सिर्फ 500 रुपीज का है। वाओ, अमेजिंग इतना स्पेशियस है जैसे भैया बता रहे, बहुत ही अच्छी बात है। और आप देख भी सकते हैं इसको, और एक नहीं दो नहीं बल्कि एक यहाँ पे और एक कंपार्टमेंट्स, थ्री कंपार्टमेंट्स। बेस्ट पार्ट ये कि जिस प्राइस में जो दे रहे हैं बहुत ही ज्यादा
बेस्ट है वो, और इसकी पैडिंग्स भी बहुत अच्छी है गाइस। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप पहनोगे और 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आपको दर्द होने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। काफी मोटी पैडिंग्स है इसकी, बैक सपोर्ट भी है, तो दिस इज अमेजिंग फॉर दिस प्राइस, इट्स अमेजिंग, टोटली वर्थ। क्या बात है, ऐसे काफी स्टफ मिल जाता है मेरे यहाँ को, बैग्स, शूज से लेके, शूज मिल जाते हैं मेरे यहाँ बहुत, जो ट्रैकिंग में काफी काम आते हैं। जैसे ये जंगल शूज है, ये बहुत कंपनियां बनाती हैं, लेकिन जो बेस्ट है वो लिबर्टी बनाता है, तो मेरे पास ये मिल जाएगा। ये ट्रैकिंग के लिए बहुत सुटेबल है और ड्यूरेबल है बेसिकली। ये लिबर्टी ओरिजिनल आता है वॉरियर के अंदर, और एक्चुअल प्राइस इसका 2099 है। अगर आप इसे ऑनलाइन भी देखेंगे तो 1900 का मिलता है, मेरे यहाँ सिर्फ 1700 का मिलेगा आपको ये। तो ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा है, इसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी होती है और ये बहुत ड्यूरेबल होता है। तो पूरी आर्मी बेसिकली ये कैंट एरिया काइंड ऑफ है, तो जितना भी बॉर्डर है आर्मी पर्सन होते हैं वो ये यूज करते हैं, यही रेकमेंड करते हैं। एक तो मुझे वो दिख रहे हैं स्लीपिंग बैग्स वगैरह। हाँ, स्लीपिंग बैग्स की बहुत वैरायटी होती है मेरे पास। स्लीपिंग बैग्स अगर आप यहाँ देखिए, ये पोर्टेबल वन है, देखिए इसके अंदर फ्लीज है और ये डिटैचेबल इनर के साथ होता है, जो इसका इनर होता है वो सेपरेट निकल जाता है, वॉशेबल होता है। okay. तो जैसे आप यूज करते हैं और उसको निकाल के अगर धोना चाहते हैं तो दोबारा हो जाता है, वो वेलक्रो से अटैच होगा या फिर जिप से अटैच होगा। okay. तो इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। उसकी स्टार्टिंग रेंज क्या है? ये 1000 रुपए से शुरू होकर 1000 से वेरी करके 3000 तक का होता है। जो 3000 का होता है 5 लेयर में आएगा वो, फिर अल्टीमेट जो टेम्परेचर होता है डाउन, तो वहाँ के लिए बहुत काम आ जाता है। ये जो नॉर्थ फेस वाला है, इसमें आपका इस तरह के इसके और भी कुछ स्टफ है आपके पास? सेम ऐसी में नहीं, जैसे ये हो गया। हाँ। ये बहुत पोर्टेबल है, क्लिफ लैम्बर का ये। अच्छा, तो ये सबसे पोर्टेबल है, आपके बैग के अंदर आ जाएगा, स्पेशियस नहीं होता ये। ओके। पोर्टेबल है और इजी टू कैरी वाला हो जाता है इसमें। अगर कुछ देखना हो तो मुझसे पूछ रहे हो? हाँ जी, मुझे तो जो दिखा अच्छा है भैया, आप कम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी जगह हम आ चुके हैं आज के दिन, और सनी भैया से भी मुलाकात हुई है, और आप एक नजर मार लीजिए, यहाँ पे हर वो चीज मिलेगी जो आपको चाहिए, और जो नहीं भी चाहिए वो यहाँ आके पता चल जाएगा कि हाँ ये भी चाहिए। हालांकि दुकान बहुत छोटी सी है, तो उसके दुकान के बाहर से लुक पे मत जाओ, कुछ ऐसी चीजें हमें होती ना आई कैची होती है, हमें देखते ही समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। हाँ। तो हम अपने होटल में सामान वामान रखकर फिर आए इसको एक्सप्लोर करने के लिए। थैंक यू। तो बहुत कुछ है यहाँ पर। थैंक यू। इस शॉप की सारी डिटेल्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप नीचे जाके चेक कर लीजिएगा, और आपको कोई भी सवाल पूछने हो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं, और भैया की कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं डाल दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जोशीमठ मेन मार्केट के रूट से जा रहे हैं तो प्लीज यहाँ पे जरूर आए और कुछ ना कुछ लेके जाएं, और अगर लेके भी नहीं जाएं तो एक कप चाय के लिए जरूर आए, मिल के आ सकते हैं। वेरी गुड भैया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। प्लेजर भैया। ओके दोस्तों, सी यू सून। और इसी के साथ अपना ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगले दिन मैं निकल गया वापस जोशीमठ से ऋषिकेश के लिए, ताकि वहाँ से मैं वापस अपने घर जा सकूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे, और वैसे इस सफ़र में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मुझे हुए। भोलेनाथ जी के इतनी ऊंचाई पर दर्शन हुए, और बद्रीनाथ जी के दर्शन हुए, माना भी गए। बट इन सब में एक और ख़ास बात जो मेरे साथ हुई वो ये कि घर से तो मैं निकला था अकेले इस सफ़र पर मिल गए बहुत अच्छे दोस्त, उनमें से एक बहुत अच्छे दोस्त मेरे साथ यहाँ पे आज, प्रशांत भाई। हेलो, थैंक यू। प्रशांत भाई से मिलना हुआ, हमने साथ राइड्स की, बहुत कई कई किलोमीटर्स तक हम हिमालय में घूमे, और आज बहुत शानदार रहा। हाँ, तो भाई का भी बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, उसका मैं लिंक दे दूँ। भाई चाहो तो अपने चैनल का नहीं, नहीं पता। प्लीज जरूर आप आइए, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल पे आप जा सकते हैं। चैनल का नाम है ब्लॉग ऑन विद प्रशांत, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आएगा, और भाई को भी सपोर्ट करो, भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाकी राइड उम्मीद रही तो मतलब कोशिश करेंगे हम दोबारा राइड एक साथ कर सकें, और जल्दी आप लोग देखोगे हमें। ये बहुत अच्छे स्टोरी टेलर है,
और मॉडेस्ट भी है, अपनी तारीफ नहीं करेंगे तो मैं कर देता हूँ। तो जाना इनके चैनल पे और इनकी वीडियोस देखना और अप्रिशिएट करना प्लीज। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आप सबसे, और मिलते हैं अगले नए सफर में, नई जगह, बने रहना मेरे साथ। आपको कुछ कहना हो तो हर हर महादेव। हर हर महादेव।